पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव के दौरान शराब को खपाने की नीयत से यूपी के कुशीनगर से लाए जा रहे 299 कार्टन शराब को मोतिहारी के कोटवा थाने की पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने नाकाबंदी कर कोटवा के माधव चौक के पास से पकड़ा है। पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि हाईवा ट्रक पर दो शराब तस्कर लोकसभा चुनाव में शराब की खेप को विभिन्न जगहों पर पहुंचाने के नियत से लाए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और मद्य निषेध विभाग और मोतिहारी पुलिस के सहयोग से दो शराब तस्कर के साथ 2,563 लीटर शराब हाईवा ट्रक पर केबिन में छुपा कर लाई जा रही थी। डीएसपी सदर जितेश पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी के कुशीनगर और देवरिया के अरविंद यादव और सरफराज आलम नामक दो शराब तस्कर ट्रक से शराब की बड़ी खेप को लोकसभा चुनाव में खपाने की नीयत से ला रहे थे। वहीं पुलिस को देखते ही ट्रक चालक इधर उधर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की तत्परता से दोनों तस्कर को गाड़ी के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने कोटवा के पास माधव चौक से पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान ट्रक जब पुलिस को दिखा तो गाड़ी को इधर उधर करने लगा। वहीं पुलिस की तत्परता से तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा उनके निर्देशन में लगातार सघन गश्ती एवं शराब माफियाओं के खिलाफ छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 13/5/24 को मध्य निषेध इकाई बिहार पटना के द्वारा सूचना मिली कि शराब माफियाओं द्वारा एक बड़े खेप उतारने की तैयारी कोटवा थाना क्षेत्र में उतारने की तैयारी की सूचना मिली है। इसी सूचना के आलोक में एक टीम गठित किया गया था और कोटवा थाना क्षेत्र के बेलवा माधो चौक पर एक ट्रक को जब्त किया गया जिसमें 2,583 लीटर 299 कार्टून में 2,583 लीटर शराब को जब्त किया गया। दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अरविंद यादव थाना पटराना जिला कुशीनगर तथा सरफराज आलम थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया उत्तर प्रदेश। इसमें विदेशी शराब 2,583 लीटर बरामद हुई है। एक हाईवा को जब्त किया गया है और दो मोबाइल फोन जब्त किया गया। मोतिहारी से प्रतीक कुमार सिंह की रिपोर्ट।